हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, लेट्स क्रैक जामिया एंट्रेंस। आज इस वीडियो में हम 2018 का बीए ऑनर्स हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। एक पार्ट मैं बना चुकी हूँ, ये हमारा सेकंड पार्ट है। सो 50 क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था, अनदर 50 क्वेश्चन हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब किया गया था, यानी कि पूरा बनकर तैयार हो गया था और हमने ये कंसिडर कर लिया था कि हमारे जो मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो ये कॉन्स्टिट्यूशन होगा, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 में, कि मतलब सब राज़ी हो गए थे इस कॉन्स्टिट्यूशन पे, जो हमारा अभी प्रेजेंट वाला कॉन्स्टिट्यूशन। वरना इससे पहले जब बना तो उसमें बहुत बार डिबेट्स हुई, चेंजेस हुई, उसके बाद फिर एंड में जा कर के हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कब हुआ अडॉप्टेड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड इन 26 नवंबर 1949 में। देन यहाँ पे अडॉप्टेड पूछा गया, तो अडॉप्ट हमने किया था 49 में, 26 नवंबर 1949 में। और जो एनफोर्स हुआ है, जब लागू हुआ है हमारा कि यस अब हम इस जो भी ये रूल जो बुक है हमारी लॉज की, अब ये लॉज जब अप्लाई किए जाएंगे तो ये कब हमारा इम्प्लीमेंट कब हुआ, एनफोर्स कब हुआ, ये हुआ है 26 जनवरी 1950 में, एनफोर्स हुआ है 1950 में, अडॉप्ट किया है हमने 26 नवंबर 1949 में। और कितनी बार ये भी पूछ लेते हैं कि कितना टाइम लगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में पूरा, तो ऑलमोस्ट 3 ईयर्स लगे थे, ऑलमोस्ट लगे थे 3 ईयर्स। और वो जो टोटल टाइम था वो क्या था, वो था 2 ईयर्स 11 मंथ्स 11 मंथ एंड 18 डेज। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी लोकसभा सीट्स आर इन यूपी, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट्स कितनी हैं। द राइट आंसर इज 80। और या फिर यहाँ पे ऐसे पूछ लिया, नंबर में पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा में सीट्स कितनी है, तो वो 80 सीट्स हैं। और जो सबसे, या फिर अक्सर ये पूछा जाता है कि लोकसभा में सबसे ज़्यादा किस स्टेट की सीट्स हैं, तो किस स्टेट की हैं, वो है उत्तर प्रदेश की। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुतुब मीनार वॉज बिल्ट बाय, द राइट आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार किसने बनवाया, कुतुब मीनार बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं ये स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर रहे हैं। स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे और इन्होंने कुतुब मीनार बनवाया है। और जो हमारे, और ये जो हैं ये कुतुबुद्दीन ऐबक, ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर हैं इंडिया के। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा और ये क्वेश्चन पेपर ना थोड़ा ब्लर है, तो इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आप नोट डाउन करते जाइएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज, सबसे लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशन जो है वर्ल्ड का वो कौन सा है। द राइट आंसर इज पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन है। और जो इसका डीपेस्ट पार्ट है उसको क्या कहा जाता है, उसे मरियाना ट्रेंच बोला जाता है। द राइट आंसर इज पैसिफिक ओशन, और इसे मरियाना ट्रेंच भी बोलते हैं। ये जो डीपेस्ट पार्ट है इसको बोला जाता है मरियाना ट्रेंच। और ये डीपेस्ट पार्ट कौन से ओशन में है, ये है पैसिफिक ओशन में। और पैसिफिक ओशन को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। पैसिफिक ओशन इज ऑल्सो नोन एज रिंग ऑफ फायर। या फिर कितनी बार शेप पूछ लेते हैं, तो पैसिफिक ओशन का शेप क्या है, पैसिफिक ओशन का शेप है सर्कुलर, सर्कल शेप में है ये ओशन, ऑलमोस्ट सर्कल शेप में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज कॉल्ड सिटी ऑफ लेक्स, सिटी ऑफ लेक्स किसे कहा जाता है। द राइट आंसर इज उदयपुर। उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज, इंडिया का नेशनल एनिमल क्या है, इंडिया का नेशनल एनिमल है टाइगर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरप्पन सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नेम्ड, हरप्पन सिविलाइजेशन को और क्या कहा जाता है। द राइट आंसर इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि हरप्पन सिविलाइजेशन जो है ये हड़प्पा साइट, अच्छा इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को, क्योंकि जो पहली साइट मिली है इस सिविलाइजेशन की वो क्या है, हड़प्पा।
हड़प्पा में मिली है, ठीक है, हड़प्पा जगह है, तो इस वजह से इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला जाता है। और इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये इंडस रिवर के पास है, हड़प्पा जो साइट है ये इंडस रिवर के पास है, इस वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द चांसलर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया। अभी प्रेजेंट वाले पूछे गए कि जामिया मिलिया इस्लामिया के चांसलर कौन है, द राइट आंसर इज़ नजमा हेपतुल्ला। नजमा हेपतुल्ला जो हैं वो चांसलर हैं, और नजमा अख्तर जो हैं वो हैं वाइस चांसलर। तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा, दोनों का नाम नजमा है, नजमा हेपतुल्ला हैं चांसलर और नजमा अख्तर हैं वाइस चांसलर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट कंट्री विच स्टार्टेड सिविल सर्विस कॉम्पिटिशन। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो सबसे पहले किस कंट्री ने स्टार्ट किया था, द राइट आंसर इज राइट आंसर क्या है चाइना, द राइट आंसर इज चाइना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इन दिल्ली इज अ वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स। इनमें से ऑप्शंस में से दिल्ली का ऐसा कौन सा मॉन्यूमेंट है जो वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स में से एक है, द राइट आंसर इज हुमायूं टॉम्ब। हुमायूं टॉम्ब जो है, हुमायूं का मकबरा, इसे वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट में, मतलब मॉन्यूमेंट की लिस्ट में हुमायूं टॉम्ब को भी, हुमायूं टॉम्ब भी आता है, वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स में से एक है हुमायूं टॉम्ब। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज विच स्टडीज़ ह्यूमन कल्चर एंड बायोलॉजी इज कॉल्ड। जो ह्यूमन कल्चर और बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं उस स्टडी को क्या बोला जाता है, द राइट आंसर इज एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी जो है वो ह्यूमन कल्चर और बायोलॉजी की स्टडी को बोला जाता है एंथ्रोपोलॉजी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। यहाँ पूछा है, ऑप्शंस दिए गए हैं और पूछा है कि साउंड जो है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन जिसके थ्रू ट्रैवल नहीं करती, ठीक है, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, द राइट आंसर इज वैक्यूम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओल्डेस्ट वेदा इज, सबसे पुरानी वेदा कौन सी है, द राइट आंसर इज ऋग्वेदा, सबसे ओल्डेस्ट वेदा है ऋग्वेदा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुद्धा वॉज एनलाइटेंड एट, लॉर्ड बुद्धा को एनलाइटेंडमेंट कहाँ मिली थी, मतलब मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी, द राइट आंसर इज बोधगया। बोधगया में एनलाइटेंडमेंट मिली थी, कहाँ मिली थी, बोधि ट्री के नीचे, बोधि ट्री के नीचे जो है बौद्ध गया में लॉर्ड बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिली थी। और ऑप्शंस में और क्या क्या ऑप्शन में है, सारनाथ, सारनाथ में क्या हुआ था, सारनाथ में फर्स्ट सरमन जो दिया था लॉर्ड बुद्धा ने, फर्स्ट सरमन दिया था सारनाथ में, फर्स्ट सरमन, फर्स्ट रिलीजियस स्पीच तो दी थी, वो दी थी सारनाथ में। और ऑप्शन में है लुम्बनी, लुम्बनी में क्या था, लुम्बनी में लॉर्ड बुद्धा का जो है बर्थ हुई थी, लॉर्ड बुद्धा की कहाँ, लुम्बनी में, सो यहाँ बर्थ हुई थी, लुम्बनी कहाँ है, लुम्बनी है नेपाल में। और बुद्धा का जो नाम है वो क्या है, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ भी बोला जाता है लॉर्ड बुद्धा को। और लुम्बनी में बर्थ हुई थी, सारनाथ में फर्स्ट समन दिया था, और एनलाइटनमेंट कहाँ मिली थी, बोधगया में मिली थी। और डेथ कहाँ हुई थी, डेथ हुई थी कुशीनगर में, कुशीनगर कहाँ है, कुशीनगर है यूपी में, कुशीनगर में डेथ हुई थी, कुशीनगर में डेथ हुई थी लॉर्ड बुद्धा की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ कॉल्ड फ्रंटायर गांधी। फ्रंटायर गांधी किन्हें कहा जाता है, द राइट आंसर इज अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वंदे मातरम वॉज कम्पोज्ड बाय, वंदे मातरम किसने कम्पोज किया है, द राइट आंसर इज बंकिम चंद्र चटर्जी ने। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्थ इज अर्थ की शेप क्या है, द राइट आंसर इज ऑबलेट स्फेरॉइड, ऑबलेट स्फेरॉइड अर्थ की शेप है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बिगेस्ट प्लैनेट इज, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, द राइट आंसर इज जुपिटर, जुपिटर जो है सबसे बिगेस्ट प्लैनेट है। और मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। एंड और क्या क्या है ऑप्शन में, ऑप्शन में है मार्स, मार्स को रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं इसलिए मैं आपको बताती जा रही हूँ, मार्स को रेड प्लैनेट भी बोला जाता है। और वीनस, वीनस है ऑप्शन में, वीनस को अर्थ ट्विन भी बोला जाता है, वीनस को कहते हैं अर्थ ट्विन।
और वीनस को इवनिंग स्टार भी कहा जाता है और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, किस प्लैनेट को? वीनस को। मार्स को क्या कहते हैं? मार्स को रेड प्लैनेट कहते हैं। मरकरी क्या है? मरकरी सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। और जुपिटर क्या है? जुपिटर सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, सबसे बिगेस्ट प्लैनेट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दीनार इज़ द करेंसी ऑफ, दीनार कहाँ की करेंसी है? दीनार है कुवैत की। ऑप्शन में से जो दिया है इनमें से है कुवैत की करेंसी है दीनार। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज कॉल्ड लाइट ऑफ एशिया? लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? द राइट आंसर इज़ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, मनसबदारी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, मनसबदारी क्या? मनसबदारी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था मुगल पीरियड में। ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये किया था अकबर ने, मुगल एम्परर अकबर ने मनसबदारी सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया था। और जो ऑफिसर्स होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें मनसबदार्स कहा जाता था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द अशोकन इंस्क्रिप्शंस आर मोस्टली रिटन इन, अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो है वो ज़्यादातर कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? द राइट आंसर इज़ प्रकृत, प्रकृत। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अलवर सेंट्स वर्शिप्ड, अलवर सेंट्स जो हैं ये किसकी पूजा करते हैं, किसे मानते हैं? द राइट आंसर इज़ विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूंस टॉम्ब वॉज बिल्ट बाय, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? द राइट आंसर इज़ मिराक मिर्ज़ा ग्यास ने, मिराक मिर्ज़ा ग्यास इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अटाला मॉस्क एट जौनपुर वॉज बिल्ट बाय, जौनपुर में एक मॉस्क है अटाला मॉस्क, ये किसने बनवाया था? ये शर्की सुल्तान्स ने बनवाया था, शर्की सुल्तान्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, जलीकट्टू अ बुल टेमिंग स्पॉट फेस्टिवल इज़ प्रैक्टिस्ड इन विच इंडियन स्टेट? एक गेम होती है, एक स्पॉट होता है जलीकट्टू, ये तमिलनाडु में ये सेलिब्रेट किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है एज ए फेस्टिवल, इसको मनाया जाता है, इस गेम को जलीकट्टू बोलते हैं इसे। ये कहाँ सेलिब्रेट होते हैं? होते हैं तमिलनाडु में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द फेमस ट्रैवल ट्रैवल बुक ऑफ इब्न बतूता इज़ कॉल्ड, इब्न बतूता एक ट्रैवलर थे, ये मोरोकन ट्रैवलर थे और इनकी एक बहुत फेमस ट्रैवल बुक है वो कौन सी है? द राइट आंसर इज़ रहला, रहला। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हु इज़ कॉल्ड चिरागे दिल्ली, चिरागे दिल्ली किसे कहा जाता है? द राइट आंसर इज़ शेख नसीरुद्दीन महमूद, शेख नसीरुद्दीन महमूद को चिरागे दिल्ली कहते हैं। हु इज़ कॉल्ड चिरागे दिल्ली? शेख नसीरुद्दीन महमूद इज़ ऑल्सो नोन एज चिरागे दिल्ली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, मैन कैम्फ वॉज रिटन बाय, ये जो बुक है मैन कैम्फ ये किसने लिखी है? द राइट आंसर इज़ एडोल्फ हिटलर, एडोल्फ हिटलर ने ये बुक लिखी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, कंप्यूटर लिटरेसी डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, कंप्यूटर लिटरेसी डे पूछा गया, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पूछा गया कंप्यूटर लिटरेसी डे, तो कंप्यूटर लिटरेसी डे जो है वो कब मनाते हैं? वो मनाते हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर को मनाते हैं कंप्यूटर लिटरेसी डे। और सिर्फ लिटरेसी डे जो अगर आ जाए इंटरनेशनल लिटरेसी डे, तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाते हैं, इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाते हैं? 8 सितंबर को, 8 सितंबर को मनाते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे। और यहाँ पे पूछा गया है कंप्यूटर लिटरेसी डे, कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर और इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, फर्स्ट इंडियन पॉलिटिकल पार्टी हु क्रिएट इट्स वेबसाइट ऑन इंटरनेट इज़, फर्स्ट इंडियन पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है जिसने इंटरनेट पे अपनी वेबसाइट बनाई? द राइट आंसर इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट पार्टी है जिसने अपनी वेबसाइट इंटरनेट पे बनाई। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच सिटी इज़ कॉल्ड सिलिकन वैली ऑफ इंडिया, सिलिकन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सिलिकन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु को कहा जाता है, बेंगलोर को कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अल अक्सा मस्जिद इज़ सिचुएटेड इन, अल अक्सा मस्जिद कहाँ है? द राइट आंसर इज़ जेरूशलम। त्रिपोली इज़ द कैपिटल ऑफ, त्रिपोली एक जगह है, कहाँ की कैपिटल है? यह है लीबिया की कैपिटल, द राइट आंसर इज़ लीबिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज़, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो एशिया है। और सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, ये है स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वाइट रेवोल्यूशन इज़ एसोसिएटेड विद, वाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेट है, किस लिए था वाइट रेवोल्यूशन? ये था मिल्क के लिए, द राइट आंसर इज़ मिल्क।
मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन स्टेट विच हैज़ लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया. ये इंडिया का बताना है कि इंडियन स्टेट्स में से सबसे ज़्यादा किस स्टेट के पास जो है वो फॉरेस्ट एरिया है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट किस स्टेट में. द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश. और अगर वर्ल्ड का पूछेंगे कि वर्ल्ड में लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया किसके पास है, तो वो है रशिया के पास. वर्ल्ड में आएगा तो रशिया, अगर इंडिया का पूछा है तो मध्य प्रदेश. इंडियन स्टेट विच हैज़ लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट, द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश. द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन. ओनम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, द राइट आंसर इज केरला. केरला में सेलिब्रेट किया जाता है ओनम फेस्टिवल. एंड आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, पहले सब्सक्राइब कीजिए उसके बाद आगे की वीडियो देखिएगा. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेम्पल इज, दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल कहाँ है और कौन सा है. द राइट आंसर इज एंगकोर वैट. एंगकोर वैट जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल है और ये कहाँ है, ये कंबोडिया में. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रामनाथ गोयनका अवार्ड इज कन्फेयर्ड इन विच फील्ड. रामनाथ गोयनका अवार्ड जो है वो किस फील्ड के लोगों को दिया जाता है. द राइट आंसर इज जर्नलिज्म. ये अवार्ड जर्नलिस्ट को मिलता है, जर्नलिज्म. रामनाथ गोयनका अवार्ड इज कन्फेयर्ड इन जर्नलिज्म. परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल इन. परमानेंट सेटलमेंट जो बंगाल में स्टार्ट हुई वो कब हुई. द राइट आंसर इज 1793. उस वक्त जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल वो कौन थे, वो थे लॉर्ड कॉर्नवेलिस. लॉर्ड कॉर्नवेलिस जो थे वो उस वक्त गवर्नर थे. और ये कब हुआ, परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल इन 1793. और उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवेलिस. द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर इज वाजिद अली शाह वॉज द नवाब ऑफ. द राइट आंसर इज अवध. वाजिद अली शाह कहाँ के नवाब थे, वो अवध के नवाब थे. सो इस वीडियो में हमने आज ये पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिया है. कंप्लीट हो गया मैं 2018 का क्वेश्चन पेपर, आगे हम 20 का भी डिस्कस करेंगे. सो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू वेरी मच.